अच्छा वो मुझे तुम्हारी रिंग का साइज चाहिए। बाजी को तुम्हारे लिए डायमंड रिंग बनवानी है। ठीक है ये वाली ले लो मगर मुझे वापस करना क्योंकि ये मेरी फेवरेट रिंग है। ये रिंग तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगा। इंगेजमेंट की निशानी रख के हमेशा अपने पास रखो। सो रोमांटिक, वादा करो सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। लिखवा लो लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरा इतना प्यार पाकर मजबूर ना हो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब इतनी मोहब्बत करने वाला हस्बैंड हो तो बीवी मगरूर नहीं प्राउड फील करती है। गुड। हाँ यार देर हो गई है, मैं चलूं, एक काम है बहुत जरूरी। आई कॉल यू। ओके बाय। रोही क्लास हो गई तुम्हारी? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? मैं बस मैं कहने आई थी कि कल मैं नहीं आ पाऊंगी। कल तो तुमने बच्चों की आउटिंग पे लेके जाना था, गालिबन तुम पिछले हफ्ते से तैयारी कर रही थी उसकी। कैंसिल करनी पड़ेगी आउटिंग, कल मुझे बहुत जरूरी काम है। कोई प्रॉब्लम है रोही? अगर कोई मसला है तो तुम मुझे खुल के बता सकती हो। जिस चीज ने मुझे दरबदर किया है ना, कल उसको दरबदर करने का वक्त आ गया है। आपकी दुआ चाहिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है रोही, लेकिन अगर मेरी जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं मैम, ये जंग मैंने तन्हा लड़ी है, तन्हा ही जीतना चाहती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। चल बेटा चल, चलकर तेरे बाप को बताते हैं कि एक फ्रॉड ये की औकात क्या होती है। मेरा बच्चा तू लावारिस नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ तेरा वारिस। माँ से बढ़कर भी कोई वारिस होता है इस दुनिया में? चल बेटा चल, आज तेरे बाप की नकाब कुशाई है। रुक जा जावेद, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं। इससे पहले एक और रूही
इस दरिंदे की हवस की भेंट चढ़े। मैं बता दूं कि ये शामी नहीं जावेद। जिसके नाम की इद्दत गुजारी है मैंने। काश तुम असल में मर जाते। सब क्या कह रही हैं? समरीन ये सब झूठ है। मैं तो जानता भी नहीं हूं। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ सच तो ये है ना, मेरी गोद में शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी तरह कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? और अब समरीन के साथ ये होता नहीं देख सकती मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर की किसी भी फट की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। क्या बोल रही हैं आप? किसका बच्चा उठा के ले आई हैं? समरी, ये औरत पागल है, पता नहीं क्या बोल रही है, कौन है मैं नहीं जानता इसे। ना ही तो ये पागल है और ना ही झूठी, ये हमारी बेटी है, इस घर की इज्जत। और उसके खिलाफ तुमने अगर एक और बात भी बोली तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। कितनी नफरत करती हो मुझसे? क्या बकवास की है? झूठ बोल रही है। तमरीन, कल रात को रूही ने मुझे सब कुछ बता दिया था। आपको नजर नहीं आता कि किस तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है? इस घर में तमाम लोग तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, क्योंकि उनका तुमसे खून का रिश्ता है, सिवाय एक शख्स के। जानती हो तुमको रोहित ने किसी से बचाया? किस्मत की जो ठोकरें ये जिंदगी भर खाती रही है वो तुम्हारी तकदीर भी बन सकती थी। उसको कोसने से पहले सोच लो।